आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री गाजन माता यूथ ब्रिगेड भारत पर। क्या बड़गुज राजपूत प्रत्याय राजपूत वंश की शाखा है? श्री माल जी का नाम बड़गुज राजपूतों की वंशावली में आता है, पर इसका अर्थ सांकेतिक है, इसको समझिए। राजस्थान में जालौर जिले में स्थित भीनमाल प्राचीन गुजर देश या गुजरातरा की राजधानी थी, जिसका वास्तविक नाम श्रीमाल था, जो बाद में बिलेमाल और फिर भीनमाल हुआ। कलक्का लेख के अनुसार अवंती के राजा नागभट प्रत्याय ने 7वीं सदी में गुजरों को मार भगाया और गुजर देश पर कब्जा किया। गुजर देश पर आधिपत्य करने के कारण ही नागभट प्रत्याय गुजरेश्वर कहलाए, जैसे रावण लंकेश कहलाता था। यहीं से इनकी एक शाखा दोसा अलवर के पास राजौरगढ़ पहुंची। राजौरगढ़ में स्थित एक शिलालेख में वहां के शासक मंथन देव के पुत्र साउट को गुजर प्रत्याय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है गुजर देश से आए हुए प्रत्याय शासक। इन्हीं मंथन देव के वंशज 12वीं सदी से बटगुजर कहलाए जाने लगे, क्योंकि राजौरगढ़ क्षेत्र में पशुपालक गुजर गुजर समुदाय भी मौजूद था, जिससे सशक्तता दिखाने और अंतर स्पष्ट करने को ही गुजर प्रत्याय राजपूत वंश बटगुजर कहलाने लगे। पशुपालक शूद्र गुजर या गुजर समुदाय से राजवंशी बड़गुजर क्षेत्रियों से कोई संबंध नहीं था। पशुपालक गुजर या गुजर दरअसल बड़गुजर गुजर प्रत्याय राजपूतों के राज्य में निवास करते थे। राजा रघु के वंशज, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ही रघु के वंशज थे, होने के कारण ही इन्होंने राघव रघुवंशी पदवी धारण की। इनके वंशावली में एक अन्य शासक रघुदेव के होने के कारण भी इनके द्वारा राघव टाइटल लिखा जाना बताया जाता है। इस प्रकार बटगुजर राजपूत वंशावली में श्रीमाल गुजर देश की राजधानी भीनमाल का प्राचीन नाम का होना तथा राजौरगढ़ शिलालेख बटगुजरों के पूर्वज मंथन देव को गुजर प्रत्याय संबोधित किया जाना आधुनिक बटगुजर राजपूत वंश को प्रत्याय राजपूत वंश की ही शाखा होना सिद्ध करता है। श्रीमाल भीनमाल के निवासी या वहां से अन्य स्थानों पर जाकर बसे ब्राह्मण श्रीमाली ब्राह्मण कहलाए। जो गौड़ ब्राह्मण गुजर देश में बसे हैं वो गुजर गौड़ ब्राह्मण कहलाए। भाइयों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।